हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। CPO सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के तहत आपकी रिक्रूटमेंट बहुत जल्द आने वाली है। बम्पर नंबर की सीट पर होगी। इसके तहत डिफरेंट डिपार्टमेंट में, जैसे कि दिल्ली पुलिस SI, BSF, SSB, CISF, मतलब कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होने वाली है। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी दोनों ही तरह का रहेगा। डिपार्टमेंट वाइज ये डिपेंड करता है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी इच्छुक हो, इसके लिए तैयारी कर रहे हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल वे में इस पोस्ट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि वैकेंसी कब आएगी, आपका कितना सीट रहेगा, एग्जाम की पैटर्न क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कंप्लीट डिटेल वे में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से डिस्कशन की शुरुआत कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, SSC में CPO की नई रिक्रूटमेंट आने वाली है। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये वैकेंसी कंडक्ट कराई जाएगी। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो पिछले वैकेंसी के अकॉर्डिंग अनुमानित करके आप देख सकते हो 2000 से 2500 कम से कम सीट आएगी। ज़्यादा भी हो सकती है ये सीट। और देखिए फ्रेंड्स, अप्लाई करने का जो डेट है, ऑफिशियली SSC ने जो कैलेंडर जारी किया था उसमें बताया गया था कि 15 फरवरी से ऑनलाइन होना चालू हो जाएगा और लास्ट डेट आपका 14th of March रहेगा। लेकिन किसी रीजन से SSC ये डिले कर रही है। क्यों डिले कर रही है मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि SSC का जो भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था वो किसी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि TCS के थ्रू कंडक्ट कराया जाता था। तो अब SSC जो है इस साल की वैकेंसी के लिए अपना ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर रही, नई कंपनी को टेंडर देने वाली है। तो अभी थोड़ा डिसाइड करने में देरी हो रही है कि कौन सी कंपनी टेंडर लेने वाली है, एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है। बस इसी वजह से SSC का जो आपका सिलेक्शन फेज 12 है उसका भी आपका नोटिफिकेशन नहीं आ पाया, जो कि 1 तारीख से ऑनलाइन होना स्टार्ट होने वाला था। तो बहुत जल्द SSC नई कंपनी को टेंडर देगी, तो डिटेल में आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए फिलहाल देख लेते हैं एग्जाम कैलेंडर में। एग्जाम का जो डेट बताया गया है वो आपको बताया गया है मई से जून 2024, ठीक है। तो एग्जाम की तैयारी आप करते रहो। आपको पता है कि SSC सुपर फास्ट आपका रिक्रूटमेंट करती है। कैलेंडर में तिथि दे दिया गया है, मतलब इस महीने वैकेंसी आएगी और एग्जाम आपका मई जून में ही होगा। तैयारी की स्पीड को अच्छी रखिए, कंटिन्यूटी बना के रखिए। अब देखते हैं कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम फी क्या लिया जाएगा। जनरल OBC और EWS से 100 रुपीज़ लिया जाएगा। वहीं पर SC ST और फीमेल कैंडिडेट से कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है। अब बात करते हैं एज की लिमिट के ऊपर। देखिए, आपका जो एज कैलकुलेशन होगा वो आपका 1 जनवरी 2024 के अनुसार 20 वर्ष से 25 वर्ष आपका एज रहेगा। साथ ही साथ उम्र में छूट भी मिलती है OBC को 3 वर्ष के लिए और SC ST को 5 वर्ष के लिए। चलिए आगे सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या डिमांड की गई है। देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस SI के लिए आपका ग्रेजुएट होना बहुत अनिवार्य है। साथ ही साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल या फिर हैवी मोटर व्हीकल, दोनों में से कोई एक है तो चलेगा। अदर डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम से, वो सब मान्य होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि आपका सिलेक्शन किन किन स्टेज से गुजरने के बाद होगा। योर सिलेक्शन इज डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस। पहले स्टेज पर पेपर 1 की परीक्षा होती है, ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है। फिर होता है PET एंड PST, मतलब कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका जो शारीरिक जो मूल्यांकन होता है, जैसे हाइट, चेस्ट की मेजरमेंट की जाती है। PET में आपका रेस, रनिंग, गोला फेंक, हाई जंप, लॉन्ग जंप होता है। उसके बाद पेपर 2 कंडक्ट किया जाता है। फिर आपका मेडिकल प्लस सिंपल DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। देन ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, पेपर 1 जो आपका होता है ना, ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है। इसमें आपका 200 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के लिए, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलता है।
टाइम विल बी 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे का समय दिया जाता है, और निगेटिव मार्किंग 1/4, मतलब 0.25 की निगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगी। अब अगर देखें विषय वाइज किस किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन है, तो देख लीजिए, रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस होंगे, जीके जीएस के 50 क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चंस होंगे, और इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चंस होंगे। सो तैयारी की स्पीड को बूस्ट करिए, क्योंकि ये पेपर क्वालिफाई करने के बाद ही आप आगे की स्टेज की तरफ बढ़ सकते हैं। देखिए स्टेज 2 में आपका क्या होता है, फिजिकल होता है। तो आइए मैं बता दूं आपको पीईटी एंड पीएसटी की डिटेल्स, मेल और फीमेल दोनों के लिए बताऊंगी। देखिए सबसे पहले आपका पीएसटी होता है, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें हाइट की मेजरमेंट जो होती है मेल कैंडिडेट में जनरल ओबीसी और एससी का 170 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है, एसटी कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल्स में जनरल ओबीसी और एससी का 157 सेंटीमीटर और एसटी का रहेगा 154 सेंटीमीटर। चेस्ट की अगर बात करूं, जनरल ओबीसी एससी के लिए आपका 80-85 सेंटीमीटर है, और एसटी के लिए 77-82 सेंटीमीटर। चेस्ट विल बी मेजर्ड ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स। उसके बाद होता है क्या पीईटी, मतलब कि आपके शारीरिक क्षमता का परीक्षण किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले होती है रेस। मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर की रेस होती है, उनको 16 सेकंड में कंप्लीट करना होता है। फीमेल्स को 100 मीटर की रेस 18 सेकंड में कंप्लीट करना होता है। देन आपकी रनिंग होती है, रनिंग आपका मेल के लिए 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर की दौड़ होगी, जिसमें आपको 6.5 मिनट में इसको कंप्लीट करना होगा। फीमेल्स के लिए 800 मीटर की रनिंग है, 4 मिनट में इसको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद लॉन्ग जंप होता है, मेल कैंडिडेट के लिए 3.6 मीटर का और फीमेल्स के लिए 2.7 मीटर का, 3 मौका आपको दिया जाता है इसको कंप्लीट करने के लिए। हाई जंप आपका 1.2 मीटर का रहेगा, इसके लिए आपको मेल कैंडिडेट का 1.2 है, फीमेल्स के लिए 0.9 मीटर का है, और दोनों में आपको 3-3 चांसेस मिलते हैं। शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए 4.5 मीटर आपको गोला फेंकना होता है, 3 मौका इसको भी कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है। जब आप पीईटी और पीएसटी में पास हो जाते हो, तब आपका पेपर 2 होता है। पेपर 2 भी आपका ऑनलाइन ही होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो बच्चे जिनका इंग्लिश स्ट्रांग है, उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका इंग्लिश वीक है, आप ये सोच रहे थे कि आप मैथ रीजनिंग और जीके बना के पास हो जाओगे पेपर 1, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, पेपर 2 में आप फंस जाओगे। इसलिए तैयारी ऐसी रखो कि इंग्लिश में जब आप पेपर 2 दो, तो आप तुरंत क्वालिफाई कर जाओ। यहाँ पर इंग्लिश से आपको 200 क्वेश्चन होगा, 200 नंबर के लिए, समय रहेगा 2 घंटे का, इसमें भी निगेटिव मार्किंग है 1/4, मतलब 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो चलिए अब ये भी क्वालिफाई कर लिया, पेपर 2 भी हो गया, फिर मेडिकल और डीवी होगी, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी। किन किन डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी रहेगी, देखिए दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होगी, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, इन डिपार्टमेंट के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे वर्क करना होगा। दिल्ली पुलिस के लिए ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है, अदर डिपार्टमेंट के लिए ग्रुप सी की पोस्ट होती है। अब देख लेते हैं कि जब आप जॉब करोगे सैलरी क्या मिलेगा। देखिए 35,400 से शुरुआत होती है, और पर ईयर की इंक्रीमेंट के बाद आपका सैलरी 1,12,400 हो जाता है। अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी रहने वाली है। और हाँ फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे एग्जाम की सेंटर कहाँ रहेगी, ऑल ओवर इंडिया में होती है। आप जैसे कि एसएससी का नॉर्मली फॉर्म भरते हो तो 3 नियर बाय सिटी चूज करते हो, वैसे ही नियर बाय सिटी आप चूज करोगे वहीं पर सेंटर देगा। और रही बात जॉब लोकेशन की, तो अगर दिल्ली पुलिस एसआई का आप कट ऑफ पार करोगे, अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, आपका मार्क्स अच्छा है, तो दिल्ली में सर्व करने को मिलेगा। अदरवाइज आपको जिस डिपार्टमेंट में, जहां पे ऑल ओवर इंडिया में सर्व करने बोला जाएगा, वहां जाके सर्व करना पड़ सकता है। आई होप कि आपका सारा कंफ्यूजन इस पोस्ट के रिगार्डिंग क्लियर हो गया होगा। कहीं पर भी मन में कोई डाउट है, इससे रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो भी न्यू जॉब अपडेट आती है, उसका नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देती हूँ, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम तीनों जगह फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, जाइए फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो ये वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।